आज पहला दिन है मेरी जॉब का। आई बाबा ने मुझ पर ट्रस्ट करके इतनी दूर नासिक से मुंबई भेजा है। भगवान जी बस अपना आशीर्वाद बनाए रखना ताकि मैं अपने आई बाबा का नाम रोशन कर सकूं और वो मुझ पर प्राउड हो सके। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं अपने सैलरी से अपने बाबा का कैटरैक्ट का ऑपरेशन बढ़िया से डॉक्टर से करवा सकूँ आणि सगळ्यांना खुश ठेवा। हो आई खाल्ला दही। सर अभी मैं चलती हूँ, मुझे बहुत लेट हो रहा है। आपको पता है फर्स्ट डे इम्प्रेशन जमाना है, मुझे लेट होना बिल्कुल पसंद नहीं है। अंकल भाई एवढी मोटी झालीस का, रुक तेरी नजर उतारती हूँ मैं। लव यू आई। लव यू टू बेटा। ये जो तूने हरे पीले बाल करवाए उससे तेरी ऑफिस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? आई ऑफिस है, स्कूल नहीं। अरे बाबा से तो बात कर ले, ते तुला ऑल द बेस्ट बोलत आहे। आई बाबा को बोलो मैं बाद में कॉल करती हूँ, मुझे बहुत लेट हो रहा है। बाय, लव यू। You're smart, you're powerful, you're beautiful, you're capable. To a new beginning. मुझे तो समझ नहीं आ रहा why we needed her. थोड़ा इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस है और इसे यहाँ क्रिएटिव असिस्टेंट की जॉब मिल रही है। पता नहीं ऐसा क्या है इसमें। मैं 4 बजे तक हूँ, उसके पहले जितनी भी अपॉइंटमेंट्स है ख़त्म कर लूँ, ठीक है? गुड मॉर्निंग। कौन है ये तोता परी? बोल। सर वो कंटेंट डिपार्टमेंट में नई क्रिएटिव असिस्टेंट मिल जाएगी। स्वाति, बॉस ने तुम्हें बुलाया। सर, मैं कम इन? या, वेलकम टू द टीम स्वाति। थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी सर। आई प्रॉमिस आई एम गोना मेक यू वेरी प्राउड। बस यही एंथुसियाज्म देखना चाहता था। नाउ नोट इट डाउन। 9875। अपना नंबर दे रहा हूँ, नोट्स के लिए नहीं, मतलब तुम्हारे पर्सनल यूज के लिए। कभी भी मेरी जरूरत पड़े एनी टाइम यू कैन कॉल मी। दैट्स द काइंड ऑफ अ बॉस आई एम। देखो मेरे पास भी तुम्हारा नंबर आ गया। नो ओके। ओ ऑफिस के बाद आज कॉफी पर चलते हैं। लेट्स गेट टू नो ईच अदर वेल। सर एक्चुअली छोटे शहर से हो ना तुम, नासिक से हो। मुंबई जैसी सिटी में सक्सीड करने के लिए थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है स्वीटी। और तुम्हारी प्रमोशन डिमोशन सब मेरे हाथ में। यू विल मेक मी प्राउड, रिमेंबर? एक्चुअली आज मॉम डैड के साथ डिनर पे जाना है, फर्स्ट डे है ना। कोई बात नहीं, हम कल चल रहे हैं। कल वो क्लाइंट को जो कोटेशन भेजी थी उसकी फाइल लेके मेरे केबिन में। मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। क्या हुआ सर?
कल मैंने पूरी रात तुमको कितने मैसेजेस किए, तुमने एक भी मैसेज का जवाब नहीं दिया मुझे। सर वो नो एक्सक्यूजेस। सॉरी सर। सर ये क्लाइंट का कोटेशन मेल है। फाइन, पहले काम कर लेते हैं। क्या कह रहा था क्लाइंट? क्लाइंट कह रहा था कि इस सेटअप में हम उन्हें पूरा लोकेशन दे पाएंगे या नहीं। ऑल्सो उन्हें बहुत बड़ा बंगलो चाहिए उनके एक्टर्स के लिए, तो एक्टर्स को प्राइवेट रूम्स देंगे या नहीं देंगे। बैठो, बहुत टेंस हो तुम। सर क्लाइंट का कॉल आ रहा है, मैं आती हूँ। करने आ रहे हैं क्या? हम लोग सब साथ में मिलकर कैंटीन में लंच करते हैं। आप लोग चलिए, मैं आती हूँ। क्या कह रहा था क्लाइंट? चिंता मत करो, आपका कैटरैक्ट का ऑपरेशन बहुत अच्छे से होगा। I am strong. मुंबई जैसी सिटी में सक्सीड करने के लिए थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है स्वीटी। ने तुम्हें क्रिएटिव असिस्टेंट से डायरेक्टली प्रोजेक्ट हेड बना दिया, वो भी इतने जल्दी। कॉन्ग्रेचुलेशंस स्वाति, मुझे पूरा यकीन है कि ये नई रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम बहुत अच्छे से संभालोगे। कब?
I have something for you. ये है तुम्हारा पर्सनल केबिन. कैसा लगा मेरा सरप्राइज? Honestly, sir, I don't think I deserve this. मुझे कुछ ही दिन हुए हैं यहाँ पे आके और मुझसे डिजर्विंग कितने सारे लोग हैं यहाँ पर. But no one is as sexy as you. I mean, no one is as smart as you. See, तुम मेरे साथ कॉफी पीने नहीं चलना चाहती ना? मत चलो. I get it. कि कोई देख लेगा तो क्या कहेगा कि मैं तुम पे फेवर्स कर रहा हूँ एंड ऑल. मैंने ना पास की होटल में एक रूम बुक किया है. शाम को मेरा असिस्टेंट तुम्हें पिक करने आ जाएगा. एक एक ड्रिंक पियेंगे, थोड़ा एंजॉय करेंगे. आखिर तुम्हारी सक्सेस भी तो सेलिब्रेट करनी है ना सर. अभी कोई जवाब नहीं चाहिए मुझे. सी, मुंबई जैसी जगह में इतनी आसानी से इतनी अच्छी जगह जॉब नहीं मिलती है. सो डोंट टेक इट लाइटली. और मेरा असिस्टेंट बता रहा था कि तुम्हारे डैड का कैटरैक्ट का ऑपरेशन भी होना है. सैड. थिंक अबाउट इट. हाँ, बट नॉट आराम से, शाम तक. मिलते हैं. सुहाना सफर ये मौसम हसीन. खुशी के आंसू है? किसी ने कभी कुछ नहीं किया? हाँ, कुछ नहीं किया. Some left the job. और कुछ पिछले 6 साल से वही है जहां थी. नो प्रमोशन, नो फेयर गेम, नथिंग. मजबूरी है, करना पड़ता है. तो तुम्हारे साथ भी ये हुआ है? वो छोड़ो. मॉरल ऑफ द स्टोरी, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है. सो जो भी करना, सोच समझ कर करना. बट ही शुड बी पनिश्ड फॉर दिस. ही इज द बॉस, उसके पास सारी पावर है. और तुम क्या करोगी? तुम भी तो यहाँ बच्चों की तरह बैठ कर रो रही हो. यू डोंट हैव अ सुपर हीरो टू सेव यू. ओके, you're powerful, you're beautiful, you're capable. Good girl. Is this lipstick for me? कहाँ जा रहे हो? मैं आपके साथ कहीं नहीं जा रही. आप हमारे बॉस हैं. आपका हक बनता है कि आप हमें डांटे सिखाए, पर आपका हमें वर्क प्लेस पे हरास करने का कोई हक नहीं बनता मिस्टर विनय. क्या? हरेसमेंट? एक्सक्यूज मी, हरेसमेंट? हरेस नहीं कर रहा हूं मैं, प्यार कर रहा हूं. प्यार प्यार होता है, भले एक दिन के लिए करो. और इस प्यार पे ही ना तुम्हारी जॉब भी डिपेंडेंट है. सो कम ऑन, डोंट टेल मी कि तुम यहाँ पे मुझे धमकी देने आई हो. ये ऐसे पिंक लिपस्टिक लगा के तैयार होके साफ दिख रहा है कि मुझे एंटाइज करने आई हो. मिस्टर विनय, मेरा लिपस्टिक का कलर या मेरा पहनावा ये मेरे लिए है, आप जैसे लोगों के लिए नहीं है. और आपको कोई हक नहीं बनता मेरे लिपस्टिक के कलर की वजह से मुझे हरास करने का. आज सुबह से मैं सहमी हुई थी, बट जब मुझे पता चला कि आपने ऑफिस की सारी लड़कियों को हरास करने का ट्राई किया है ना, तब मुझे मेरे आई बाबा की एक बात याद आ गई
कि कभी कभी ना चाहते हुए भी लड़ाई करनी पड़ती है, और जब ऐसा मौका आए तो डरना नहीं, सिर्फ लड़ना। क्या कर लेगी तू, क्या कर लेगी है? तेरे जैसी ना यहाँ पे बहुत आई है और बहुत चली गई है, समझी? तुझे इसी वक्त अभी निकाल रहा हूँ जॉब से, चल निकल। If provisions of the Indian Penal Code 1860 are invoked, the police might be involved. But if the police refuse to register a complaint, the workplace harassment victims must reach out to the magistrate. But guess what? The police might be here any moment. Police? कोई believe नहीं करेगा तेरी बात पे। ये जो तू सब करेगी ना, इसमें मेरा कुछ नहीं जाएगा, तेरी बदनामी होगी, शादी भी नहीं होगी तेरी। बदनामी तो उसी की होगी जो गलत है मिस्टर विनय, और रही बात ना बिलीव करने की, ना मेरे पास आपके खिलाफ गवाही देने के लिए लोग हैं। ये जा जा जा, जिसको जो जाके बोलना है बोलो, कोई तुम्हारी बात पे यकीन नहीं करने वाला है। और तुम जैसी लड़कियों के कारण ही ना मैंने अपने केबिन में एक भी सीसीटीवी नहीं लगवाया है, कोई सबूत भी नहीं है तुम लोगों के पास। जा, जो बोलना है बोलो, मैं इसको तुम दोनों की साजिश बना के खत्म कर दूंगा। चलो जाओ, गेट आउट। क्या क्या है? मेरे पास काफी सबूत है आपके खिलाफ, जो आपको जेल भेजने के लिए बहुत है। अब बस किस किस को झूठा साबित करोगे मिस्टर विनय? आपके बीवी बच्चों को भी बुलाया है, सोचा उन्हें भी मौका दिया जाए आपसे छुटकारा पाने का। Don't let anyone harass you at workplace or elsewhere. Fight back. और क्योंकि आपको कंटेंट का कीड़ा के शॉर्ट फिल्म्स पसंद है, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।